முக்கிய செய்தி. 2020 டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் பகுஜன் திராவிட கட்சியினர் கட்சியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரான உயர் திரு ரஜ்பீர் அவர்களுக்கு கட்சியின் தேசிய தலைவர் உயர் திரு ஜீவன்குமார் மல்லா அவர்கள் தலைமையில் தீவிரமான வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்பொழுது அவர்கள் வானம் அதிரும் வண்ணம் தந்தை பெரியார் வாழ்க, தந்தை கன்சிரம் வாழ்க என முழக்கமிட்ட போது டாக்டர் அம்பேத்கர் மன்னவர் தாங்கள் சுமந்து கொண்டு வந்த பதாகைகளில் தந்தை பெரியார் படம் அச்சிட்டிருப்பதை பார்த்தபோது ஆத்திரம் அடைந்தன. பிஜேபியின் கட்சியில் உள்ள உயர்சாதி இந்துக்கள் கூட்டமாக வந்து விளம்பர பதாகைகளில் இருந்த தந்தை பெரியார் படத்தை கிழிக்க முற்பட்டனர். அப்பொழுது பகுஜன் திராவிட கட்சியின் தொண்டர்கள் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கு மிகப்பெரிய கலகம் நடந்தது போல காட்சியளித்தது. இச்சம்பவம் டெல்லியில் உள்ள மிக முக்கிய இடமான கேனாட் பிளேஸில் நடந்ததால் பத்திரிகையாளர்கள் இச்சம்பவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்ய தொடங்கினர். பிஜேபி தொண்டர்களால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பகுஜன் திராவிட கட்சியின் தொண்டர்கள் கொடுத்த விஞ்ஞான பூர்வமான அறிவியல் பதில்களால் பிஜேபி தொண்டர்கள் மீண்டும் பதில் சொல்ல முடியாமல் தறிக்கட்டு ஓட தொடங்கினர். இப்பிரச்சாரத்தை நேரில் மிக முன்னிப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் பலர் வந்து பகுஜன் திராவிட கட்சியின் தொண்டர்களை பாராட்டத் தொடங்கினர். பிபிசிஐ செய்திக்காக சாவித்ரி பாபுலே. अगर आपको अगर आप कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट हैं, लिसन सुनिए तो, अगर आप कैंडिडेट हैं, सुनिए ना, अगर आप कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट हैं तो आपको तो आपको तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, आपको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए ना. डॉक्टर परियार को क्या बात कर रहे हैं, इसका फोटो लगा रखा है डॉक्टर परियार का, ये रिस्पेक्टेड आदमी है. डॉक्टर पेरियार जो थे, नहीं सुनिए आप, काशीराम मैं देखिए, मैंने काशीराम जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ. देखिए कितना मैं काशीराम जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वो सचमुच एक दलित नेता थे, नो डाउट. एंड ही नेवर ही वाज एन इंडियन नेता. सुनिए तो, अरे मैं आ रहा हूँ, अरे मैं सुनिए तो, मैं सुनिए 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 नहीं नहीं सुनिए नहीं नहीं काशीराम जी नेशनल पार्टी लीडर. अरे सुनिए तो काशीराम, सुनिए तो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप हुआ 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 क्यों कर रहे हैं. सुनिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे मुंह में जवाब सब नहीं डालो, मैं नहीं डालो, सुनिए तो, मैं ये बोल रहा हूँ काशीराम जी सुनने की क्षमता दलित नेता. अरे सुनिए तो, इंडियन नेता, ही इज ए इंडियन नेता, नेशनल पार्टी का नेता था वो, इंडियन नेता और ऑल इंडिया के थे वो, कोई एक जगह के नहीं थे. तो उसके बारे में बता दीजिए ना, जय भीम के लगा, सब कुछ लगा लीजिए, यहाँ पे कुछ लगाइए, तिरंगा लगा लीजिए. हाँ तिरंगा को मना क्या है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है. कुछ भी नहीं किया, फिर आप क्यों कह रहे हो, ये इससे आपकी मानसिकता छलकती है, काशीराम जी इससे आपकी मानसिकता छलक रही है. काशीराम जी किसी भी धर्म के खिलाफत नहीं थे, राइट, हाँ ना बोलिए, क्यों उनके बारे में जानते हो आप, किसी के खिलाफ हम क्यों होंगे भाई मेरी. लेकिन डॉक्टर परियार क्या थे, इकट्ठा करने थे डॉक्टर परियार, क्या थे क्या डॉक्टर परियार, कोई जवाब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आपका भी कोई सुनेगा नहीं यहाँ पे. हाँ ठीक है, आप नहीं सुनेंगे, आप ये कह रहे सूत्र, ये पहले साइंस पढ़े, इनको पता है कि विज्ञान में भी आप जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पढ़िए, क्लासिफिकेशन कहाँ नहीं है बताइए. आपने नहीं किया, लेकिन डॉक्टर पेरियार सिर्फ हिंदू मुस्लिम अपमान क्यों किया. पेरियार जी पूछते हैं आपको, क्या भगवान जी अंधे हैं, हाँ, क्या भगवान जी बहरे हैं, हाँ, मैं तो ये क्या भगवान जी, उन्होंने आप शब्द बोला ना, उन्होंने आस्था पे घात करना फंडामेंटल राइट धर्म पे आपने क्या बात क्यों नहीं किया. यही हिंदू धर्म है जो हम लोगों को नीचा दिखाता है. अच्छा क्या
अच्छा है कि नहीं, शूद्र को बिल्कुल नीचा दिखाता है भाई साहब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ब्राह्मण हूँ मैं, एक ब्राह्मण हूँ, एक नासुराम जी को मैं जी बोलता हूँ। सुनिए एक मिनट सुनिए, अगर आप शूद्र की बात कर रहे हैं, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आते हैं क्या आते हैं? ब्राह्मण है, हमें नहीं पता। आपने आपने बाकी धर्मों पे तो पूरा पीएचडी कर रखा है, जैसे मोदी जी की बात आ रही है तो बोले कि नहीं नहीं नहीं। तिवारी जी इनका जवाब दे, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, डॉक्टर पेरियार, डॉक्टर पेरियार एक गलत आदमी है, इसको स्वीकार कीजिए। मालूम है, देखिए दूसरी बात, काशीराम जी एक रेपुटेड आदमी है, देखिए रहेंगे, लेकिन गौतम बुद्धा ने कहा है, तिवारी जी गौतम बुद्धा ने कहा है शास्त्रों में जो लिखा हो उसको आप ना मानिए मानिए। गौतम बुद्ध किसके क्या थे? गौतम बुद्ध का शुरू में नाम क्या था? ये गौतम बुद्ध इंसान इंसान के रूप थे। अच्छा, क्या बात, वो आपके तरफ से विष्णु के रूप जी? नहीं, वो आपके तरफ से। अब सुनिए इनका जवाब दे दूं भाई साहब, तिवारी जी तिवारी जी, एक सेकंड टिप्पणी किया गया था, पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी किया गया था, मैं भाई साहब सुनिए मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट है, ठीक है आप रहिए, वो आपका राइट है। सुनिए, नागरिकता दे रहे हैं क्या? अच्छा, किसको नागरिकता? बुद्धिस्ट को, ईसाई को, वो कौन होते हैं देने वाले? हम हैं यहाँ के नागरिक, ये बताइए। अच्छा चलिए, वो तो भैया एक मिनट, वो तो हम है यहाँ, आप याद रखिए, ज्ञानी डॉक्टर पेरियार का दुकान दिल्ली में नहीं चलेगा, डॉक्टर नहीं है वो भैया। एक मिनट सुन लो यार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तिवारी जी, इनके इनका 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 मैं जवाब दे दूँ। सुन लो तिवारी जी, माफ कीजिएगा सर, डॉक्टर पेरियार अच्छे व्यक्ति नहीं है। एक मिनट, क्योंकि उन लोगों ने सूत्र की बात कही ना, इन्होंने सूत्र की बात क्वेश्चन करिए भैया। डॉक्टर पेरियार के बारे में क्या जानूं मैं? एक मिनट, नहीं थे वो। डॉक्टर पेरियार के बारे में क्या जानूं? डॉक्टर मीन्स क्या? डॉक्टर मीन्स क्या थे आप बताओ? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डॉक्टरेट? डॉक्टर बनता क्या चीज थे? पहली बात, पेरियार वॉज क्लास 3 पास। एक मिनट सुनिए, अब आपका जवाब।